Welcome to video 4 of chapter 3 current electricity. In this video we will see what is electrical energy and power aur hum discuss karenge ek cell ka emf kya hota hai aur internal resistance kya hai and then we will see the combination of cells in series and parallel. Let us take two points on two ends of a conductor. Hamare paas ek ye conductor hai एंड इसके दो एंड पे ए और बी जो दो पॉइंट है उसका अगर पोटेंशियल लें लेट अस से द पोटेंशियल एट ए इज़ वी ए एंड पोटेंशियल एट बी इज़ वी बी और मान लेते हैं कि इसके अंदर डेल्टा क्यू चार्ज फ्लो कर रहा है इन टाइम डेल्टा टी तो जो करंट फ्लो हो रहा होगा लेट से करंट आई इज़ फ्लोइंग देन वी विल राइट डेल्टा क्यू इज इक्वल टू आई डेल्टा टी और I is equal to delta Q by delta T. Now, if you want to find the potential energy at point A, अगर ये चार्ज जो है the small amount of charge delta Q was at point A, जब यहाँ पे था ये तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या थी पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट A, जिसको हम लिखते हैं यू ए इज इक्वल टू डेल्टा Q इंटू वी ए क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमें मालूम है पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वी क्यू और वर्क डन इज इक्वल टू वी क्यू व्हेन देयर इज अ चार्ज क्यू इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेंशियल रीजन वेयर पोटेंशियल इज वी तो वर्क डन इज सेम एज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी तो पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट ए की हो गई डेल्टा क्यू वी ए ऐसे ही पॉइंट बी जो है उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी जिसको हम लिखेंगे यू बी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू इंटू वी बी सो व्हेन दिस चार्ज मूव्स फ्रॉम पॉइंट ए टू बी ये हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे जा रहा है सो वी कैन राइट वी ए द पोटेंशियल एट पॉइंट ए इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट पॉइंट बी और वी ए माइनस वी बी इज ग्रेटर देन ज़ीरो What is our change in potential energy? Change in potential energy is delta U is potential at B minus potential at A. UB minus UA जो हमारा हो जाएगा delta Q into VB minus delta Q into VA. And this can be written as delta Q into VB माइनस VA, VB माइनस VA जो है वो नेगेटिव आएगा क्योंकि VB जो है वो VA से कम है सो दिस इज़ आवर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा PE एंड वी नो दैट वी कैन राइट दिस एज वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम वर्क डन इज इक्वल टू डेल्टा KE एंड इट इज़ ऑल्सो इक्वल टू minus delta PE. So this is our minus delta PE and this value is equal to minus delta Q into VA minus VB. अब हमें मालूम है करंट और चार्ज में क्या रिलेशन है I is equal to delta Q by delta T. So delta Q can be written as I into delta T. So we'll write this as माइनस आई इंटू वी इंटू डेल्टा टी वेयर वी इज़ द डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल ए और बी के बीच का पोटेंशियल जो है उसका डिफरेंस सो दिस इज डेल्टा पी ई सो दिस इज आवर पोटेंशियल एनर्जी एंड वर्क डन इज इक्वल टू एज यू हैव सीन हियर सो वर्क डन विल बी गिवन बाय आई इंटू वी इंटू डेल्टा टी So this is the energy dissipated as heat in a conductor. The energy dissipated as heat in a conductor in time delta T is IV delta T. Work done or energy same चीज है हमें मालूम है because work is converted into energy and vice versa. So our power consumed. What will be the power? Power is work done by time. And that is equal to I into V delta T by T gives us VI. So
सो दिस इज द रिलेशन फॉर पावर, इलेक्ट्रिकल पावर बोलते हैं इसे. एंड वी हैव सीन दिस फॉर्मूला अर्लियर इन क्लास 9. दिस सेम थिंग कैन ऑल्सो बी रिटन एज P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, अगर हम V को I और R के टर्म्स में लिखेंगे तो, और वी कैन राइट इट एज V स्क्वायर बाई R इफ वी रिमूव I एंड कन्वर्ट इट इन टू V एंड R. ओम्स लॉ यूज़ किया है हमने इसमें. लेट अस कंसिडर दिस केस वेयर पावर इज गेटिंग ट्रांसमिटेड फ्रॉम द पावर स्टेशन टू आवर होम्स. हमें मालूम है ऐसे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन होता है और ये हमारे घर पे आ रहा है करंट एक लंबे रास्ते को ट्रेवल करते हुए. एंड दिस डिवाइस हैज़ इट्स रेसिस्टेंस आर, ठीक है, ये इस करंट को कंज्यूम कर रहा है. इस डिवाइस की अगर पावर पी है तो इसकी पावर जो होगी वो करंट और वोल्टेज से कैसे रिलेट होगी. पी इज़ इक्वल टू वी इन टू आई, वेर वी इज़ द वोल्टेज अक्रॉस दिस डिवाइस, राइट, इस डिवाइस के अक्रॉस जितनी भी वोल्टेज है. और इफ़ यू कनेक्ट अ वोल्ट मीटर अक्रॉस दिस यू विल सी द वोल्टेज इज़ वी, सो दिस पावर इज़ वी इन टू आई. अब जो हमारे वायर्स हैं लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन में जो हमने वायर यूज़ किए हैं उस ट्रांसमिशन के लिए, उस वायर का खुद का भी रेसिस्टेंस होगा. एंड बिकॉज इट इज़ अ डिस्टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर तो ये रेसिस्टेंस सिग्निफिकेंट होगा. फॉर दिस सिग्निफिकेंट रेसिस्टेंस देर विल बी एक्स्ट्रा पावर लॉस ऑल्सो. इस रेसिस्टेंस इस वायर में जो पावर लॉस होगा लेट अस कॉल इट पी सी, जो पावर लॉस है इन द कंडक्टर. इस डायग्राम को और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके हम ऐसे समझ सकते हैं, लेट अस से कि ये हमारा लॉन्ग डिस्टेंस वायर है, ये हमारा डिवाइस जो है उसका रेसिस्टेंस है आर, एंड दिस इज़ आवर सप्लाई. अब जो हमारा वायर है उसका रेसिस्टेंस क्योंकि वो सिग्निफिकेंट रेसिस्टेंस है तो हम उसको एक साइड में एक्स्ट्रा रेसिस्टेंस के जैसे दिखाएंगे. लेट अस कॉल दिस एज आर सी, द रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर. और हमने जो वोल्टेज है उसको वी लिखा है. द करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टिंग वायर एंड थ्रू द डिवाइस इज़ द सेम, क्योंकि ये सीरीज कनेक्शन बनेगा, ठीक है. तो इसमें से जो करंट जा रहा है और इसमें से जो करंट जा रहा है वो सेम है. तो हम लिख सकते हैं P इज इक्वल टू फॉर दिस डिवाइस, ये हमारा डिवाइस है, इस डिवाइस के लिए हम लिख सकते हैं P इज इक्वल टू V इंटू आई वॉट एवर इज़ द वोल्टेज इंटू द करंट पासिंग थ्रू दिस. और हम ये भी लिख सकते हैं कि P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर. ये जो वायर है कनेक्टिंग वायर इसमें पावर लॉस अगर देखें हम, द पावर लॉस इन द कंडक्टर और द कनेक्टिंग वायर इज इक्वल टू, तो I इज़ द सेम, दोनों का I सेम है, सो I स्क्वायर इंटू आर सी जो भी इसका रेसिस्टेंस है, राइट. सो दिस बिकॉज I इज़ सेम तो मैं क्या करेंगे हम यहाँ पे इसको I की वैल्यू यहाँ से लेंगे, ये वाले एक्सप्रेशन से I क्या है, I इज इक्वल टू P बाई V, इस वैल्यू को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है. सो I बिकम्स इक्वल टू P स्क्वायर बाई V स्क्वायर इंटू आर सी, ओके. एंड दिस इज द पावर डिसिपेटेड इन द वायर. ठीक है, तो पावर डिसिपेटेड इन द वायर जो है हमारी P इन द कंडक्टर और वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई वी स्क्वायर. मतलब जो हमारी सप्लाई वोल्टेज है वो उसके स्क्वायर से इन्वर्सली रिलेटेड है. उस सप्लाई वोल्टेज का जो स्क्वायर है वो और पावर जो है जो पावर लॉस है हमारी कंडक्टर में वो दोनों इन्वर्स रिलेशन है उन दोनों में. मतलब इफ़ वी इंक्रीज द सप्लाई वोल्टेज देन द पावर लॉस विल रिड्यूस, और यही हम चाहते हैं, वी वॉन्ट टू रिड्यूस द पावर लॉस इन ट्रांसमिशन. तो हम क्या करेंगे, सप्लाई वोल्टेज को बढ़ाएंगे. एंड दैट इज़ द रीज़न वाई यू सी हाई वोल्टेज डेंजर साइंस ऑन ट्रांसमिशन लाइन. पावर स्टेशन के आसपास हम लोगों ने सबने देखा है कि
हाई वोल्टेज सोर्स 10,000 वोल्टेज ये सब लिखा होता है. एंड द रीज़न वाई दे आर इंक्रीजिंग द वोल्टेज सो हाई इज़ कि अगर इसको लॉन्ग डिस्टेंस जब ट्रांसमिट करेंगे तो पावर कंजम्पशन जो होगा वो हमारा कम हो जाएगा. ओके अब हम देखेंगे एक सेल का EMF और इंटरनल रेसिस्टेंस क्या होता है. जब एक सेल या बैटरी को हम सर्किट में कनेक्ट नहीं करते हैं तो कोई करंट फ्लो नहीं होता है. तब उसके जो दोनों टर्मिनल हैं पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल जो हैं हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल उन दोनों हायर और लोअर पोटेंशियल के बीच का जो डिफरेंस है दैट डिफरेंस इन पोटेंशियल इज़ कॉल्ड EMF. ठीक है हम उसको EMF बोलते हैं और EMF की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. ठीक है फॉर एग्जांपल जैसे हमने देखा है कि एक 9 वोल्ट की जो बैटरी आती है हम साइंस एक्सपेरिमेंट्स में यूज़ करते हैं उसके ऊपर 9 वोल्ट लिखा होता है. अगर हम उसको सर्किट में कनेक्ट नहीं कर रहे हैं तो उसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है और नेगेटिव टर्मिनल है उन दोनों के जो वोल्टेज है उन दोनों के जो पोटेंशियल है उसका जो डिफरेंस है वो 9 वोल्ट है एंड दैट इज़ द EMF ऑफ दिस. EMF को हम एप्सिलॉन जो साइन है उससे रिप्रेजेंट करते हैं. सो EMF ऑफ दिस विल बी कॉल्ड एज 9 वोल्ट या फिर हम ये बोल सकते हैं कि ओपन सर्किट में जो भी वोल्टेज होगी दैट इज़ EMF. ठीक है इन द एब्सेंस ऑफ करंट द डिफरेंस इन द पोटेंशियल बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड्स इज कॉल्ड EMF. इट्स SI यूनिट इज इन वोल्ट्स. ये ध्यान रखना है कि ये जो नाम है इसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है बट इट इज़ नॉट अ फोर्स. इसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्यों बोलते हैं वैसे हिस्टोरिकली उसको फोर्स बोला जाता था बिकॉज इट इज़ द ड्राइविंग फोर्स. हमें मालूम है कि पोटेंशियल जो है वो ड्राइविंग फोर्स है करंट के लिए. सो दिस थिंग गॉट द नेम फ्रॉम देयर. ये ड्राइविंग फोर्स है लेकिन ये फोर्स नहीं है. ठीक है वी हैव अ सर्किट लाइक दिस वेयर दिस इज रेसिस्टेंस R द करंट फ्लोइंग इज I और हमने इसको एक सेल या बैटरी से कनेक्ट कर दिया है जिसका पोटेंशियल V है. इन दैट केस वी नो डायरेक्टली V इज इक्वल टू IR जो ओम्स लॉ है. अब जो सेल और बैटरी जो भी होता है जब उसको सर्किट में कनेक्ट करते हैं व्हेन करंट पासेस थ्रू इट किसी भी सेल या बैटरी के अंदर से जब करंट पास होता है तो जो चार्जेस होते हैं वो एकदम फ्रीली फ्लो नहीं करते हैं. वेदर यू टेक अ सेल विच हैज़ इलेक्ट्रोलाइट या फिर एक ड्राई सेल ले लो किसी भी के भी केस में मान लो हमारे पास जो घर पे जो हम पेंसिल सेल यूज़ करते हैं रिमोट में. अब जो सेल है उसको अगर हम सर्किट में कनेक्ट कर रहे हैं तो जब करंट यहाँ से फ्लो करेगा करंट विल फ्लो लाइक दिस और जब एक कंप्लीट सर्किट करने के बाद करंट जब वापस इसके अंदर से जाएगा सो इनसाइड दिस वी हैव मटीरियल या केमिकल या कार्बन रॉड. अलग अलग सेल में वो अलग अलग मटेरियल रहता है. तो जब चार्जेस इसके अंदर से फ्लो करके जा रहे हैं देन ऑल्सो दे विल एक्सपीरियंस सम रेसिस्टेंस. उनका फ्लो जो होगा वो ऑब्स्ट्रक्ट होगा उनको रेसिस्टेंस फील होगा. दैट रेसिस्टेंस विच इज़ इनसाइड द सेल और बैटरी इज़ कॉल्ड द इंटरनल रेसिस्टेंस. ठीक है वो उसका इंटरनल रेसिस्टेंस है. जनरली दिस इंटरनल रेसिस्टेंस इज़ वेरी स्मॉल. इंटरनल रेसिस्टेंस जो होगा वो इट विल बी लाइक 1 ohm और 0.5 ohm. ठीक है बहुत छोटा सा. बट हाउ डू वी रिप्रेजेंट इट इन सर्किट. हम उसको एक्सटर्नली इस वोल्टेज सोर्स जो है उसके बाहर साइड में बना के और छोटे R से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है वी रिप्रेजेंट इट विद दिस स्मॉल R. तो इसको हटा देते हैं एंड देन उसका जो कैलकुलेशन होगा जो भी बिहेवियर है वो सर्किट के दूसरे रेसिस्टेंस के जैसे ही होगा. ठीक है नाउ व्हाट इक्वेशन डू वी राइट इफ़ वी टेक द सेम सर्किट. और अगर हम अब EMF की बात करें तो इस सेम सर्किट में एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस R है हमारे पास जो बैटरी और सेल है उसका इंटरनल रेसिस्टेंस स्मॉल R है जिसको हम साइड में रिप्रेजेंट करेंगे एंड हियर वी विल राइट द EMF एंड द करंट इज I. इन दिस केस द एक्सप्रेशन बिकम्स E इज इक्वल टू I इंटू R प्लस R क्योंकि हमारा इक्वलेंट रेसिस्टेंस है कैपिटल R प्लस स्मॉल R. व्हेन यू मल्टीप्लाई द इक्वलेंट रेसिस्टेंस विद करंट देन वी गेट द वोल्टेज एंड इन दिस केस इट इज़ EMF. जब हम इंटरनल रेसिस्टेंस कंसिडर करते हैं तो हम EMF बोलते हैं. इसको अगर ओपन करेंगे तो व्हाट डू वी गेट आई आर प्लस आई आर एंड वी नो कैपिटल आई आर जो है उसको तो हम V से रिप्रेजेंट करते हैं. सो V प्लस आई आर वेयर देन V विल बी गिवन बाई E माइनस आई आर. सो दिस इज़ द रिलेशन बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस V
एंड द EMF, ठीक है, या फिर सिंपल टर्म्स में हम ये बोल सकते हैं कि ओपन सर्किट में ओपन सर्किट वोल्टेज जो है वो EMF है, और क्लोज सर्किट के केस में हम उसको पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे, ठीक है, वी विल कॉल इट द अप्लाइड पोटेंशियल. तो अप्लाइड पोटेंशियल और EMF में क्या रिलेशन है, दिस इज द रिलेशन, वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, V इज इक्वल टू E माइनस IR और E इज इक्वल टू V प्लस IR, ठीक है. इफ़ यू वॉन्ट टू फाइंड आउट द करंट, करंट कैसे निकालेंगे, सेम एक्सप्रेशन यहाँ से हम विल जस्ट राइट I इज इक्वल टू E बाई R प्लस R, ठीक है, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर विच रिलेट्स द करंट एंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. ये हम आगे न्यूमेरिकल्स में भी यूज़ करेंगे. अब अगर कोई पूछे व्हाट इज़ द मैक्सिमम करंट दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम दिस सेल, या फिर इस सर्किट में जो करंट है उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी पॉसिबल है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आई पॉसिबल, तो हम कैसे लिखेंगे, वी टेक द सेम एक्सप्रेशन आई इज इक्वल टू ई बाई आर प्लस आर, लेट अस सी व्हाट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल. क्या हम ई का कुछ कर सकते हैं, कैन वी चेंज द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, नो, EMF ऐसी कैसी रहेगी. क्या हम सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस चेंज कर सकते हैं, नो, दैट ऑल्सो विल रिमेन लाइक दिस, बट जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है उसको हम चेंज कर सकते हैं, राइट. अगर हमें करंट बढ़ाना है तो हम क्या करेंगे, दो चीज़ें कर सकते हैं, या तो हम अप्लाइड पोटेंशियल को बढ़ा दें या फिर सर्किट के रेजिस्टेंस को कम कर दें, देन द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग विल बी इंक्रीजिंग. तो हम अभी क्या करेंगे, इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को ज़ीरो रख लेंगे, ठीक है. इफ़ कैपिटल आर इज इक्वल टू ज़ीरो, देन आई इज इक्वल टू ई बाई ज़ीरो प्लस आर, विच विल बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट पॉसिबल, विच इज़ ई बाई आर, दिस इज़ द मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल फॉर द करंट इन दिस सर्किट. अब हम देखेंगे कि अगर हम सेल्स को सीरीज में और पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस और EMF किस तरीके से कैलकुलेट किए जाते हैं. अभी तक हमने सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन देखे थे रेसिस्टर्स के और कैपेसिटर के, अब हमने सेल्स को ही अरेंज कर दिया एक के बाद एक लगा के सीरीज़ में और एक दूसरे के पैरेलल में. तो जो सीरीज़ वाला है वो तो बिल्कुल सिंपल है, वी कैन सी द डायग्राम हियर. अगर हमने कुछ सेल्स लिए हैं और उनको एक साथ कनेक्ट कर दिया है, द EMF ऑफ दीज सेल्स इज़ गिवन बाई E1, E2, E3 अप टू EN, N सेल्स आर देयर, और इन सबका इंटरनल रेजिस्टेंस R1, R2, R3, R4 है. इन दैट केस द टोटल EMF इन सीरीज, द टोटल EMF इज़ गिवन बाई E टोटल इज द सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल EMFs E1 प्लस E2 प्लस E3 अप टू EN. ओके, एकदम सिंपल है, सारे EMF को बस ऐड कर देंगे. अगर मान लो हमारे सर्किट में एक सेल उल्टा कनेक्टेड है, सो दिस इज E1, E2, E3, E4, ठीक है, आई एम टेकिंग अ डिफरेंट केस. यहाँ पे हमारा तीसरा सेल जो है वो उल्टा कनेक्टेड है, तो इस केस में टोटल EMF कैसे निकालेंगे, E टोटल इज इक्वल टू, वी विल अज्यूम व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ करंट फर्स्ट, ठीक है, हम अज्यूम कर लेते हैं कि करंट लेफ्ट साइड में फ्लो करेगा, क्योंकि ज़्यादातर सेल जो हैं हमारे, तीन सेल जो हैं चार में से, वो लेफ्ट की तरफ करंट को ड्राइव करेंगे और एक उल्टा है, तो ठीक है, हम लेफ्ट को पॉजिटिव मानेंगे. देन व्हाट विल डू, द टोटल EMF विल बी E1 प्लस E2 प्लस E3 जो है वो नेगेटिव लिया जाएगा, इट इज़ इन द अपोजिट डायरेक्शन, सो माइनस E3 प्लस E4, दिस बिकम्स इक्वल टू E1 प्लस E2 माइनस E3 माइनस E4 प्लस E4, सॉरी. सो दिस इन सिंपल टर्म्स वी कैन जस्ट से सारे के सारे सेल्स को बस ऐड कर दो, जो सेल उल्टा लगा हुआ है उसको सबट्रैक्ट कर दो. तो इस तरीके से हम सीरीज़ कॉम्बिनेशन में सेल्स का EMF निकाल सकते हैं. इंटरनल रेजिस्टेंस अगर देखें, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, तो जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे सारे R1, R2, R3, ये सारे के सारे रेजिस्टेंसेज एक के पीछे एक लगे हुए हैं. अब रेजिस्टेंसेज जो है ना, तो उसकी कोई डायरेक्शन होती है, रेजिस्टेंसेज की कोई पॉजिटिव नेगेटिव साइड नहीं होती है, एक के बाद एक, एक के बाद एक वो लाइन में लगे हुए हैं. दे विल ऑल oppose the current in the same way as they oppose in a general case, जैसे हम external resistance लगाते थे एक के बाद एक series में जब लगे होते हैं, same case internal resistance के case में भी होगा. Total resistance will be sum of individual resistances R1 plus R2 plus R3
एंड सो ऑन अप टू आर एन। रेसिस्टेंस को ये नहीं पता है कि वो सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस है या वो कोई एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है। उनका काम तो सिर्फ करंट को अपोज करना है, करंट के फ्लो को अपोज करना है। सो दीज आर टू इंपॉर्टेंट इक्वेशंस, ये जो ई टोटल है और आर टोटल है सीरीज कॉम्बिनेशन में, इक्वलेंट ईएमएफ निकालने के लिए और इक्वलेंट रेसिस्टेंस निकालने के लिए। मान लो हमारे पास दो सेल हैं, एक के पीछे एक हमने ऐसे लगाए हैं और उन दोनों सेल के इधर साइड पे हमारे पास तीन पॉइंट है, ए बी सी पॉइंट, ठीक है। इस कंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रहा है वो आई है, ठीक है, एंड द ईएमएफ ऑफ दीज टू सेल्स इज ई वन एंड ई टू, और इनका इंटरनल रेसिस्टेंस है आर वन और आर टू। अगर हम देखें कि पोटेंशियल जो है पहले वाले सेल को अगर देख रहे हैं, वी आर लुकिंग एट दिस फर्स्ट सेल, तो ए और बी जो दो पॉइंट है उसके बीच का जो पोटेंशियल है, विल राइट इट एज वी ए बी, पोटेंशियल जो है ए बी का उसको हम लिख सकते हैं ई माइनस आई आर, जो वी का फॉर्मूला था। तो ई कौन सा है, ई वन माइनस आई इंटू आर वन, राइट। और अगर दूसरा वाला देख रहे हैं हम, इफ़ यू आर लुकिंग एट द सेकेंड केस, ये वाला सेल जो है बी और सी के बीच में पोटेंशियल निकालना है हमें, तो वी बी सी इज इक्वल टू ई एम एफ विच इज़ ई टू माइनस आई इंटू इंटरनल रेसिस्टेंस आर टू, ये हमारा हो गया ई टू माइनस आई आर टू, ठीक है। अगर हमें ए और सी, अब ये पूरा केस एक साथ हम कंसिडर कर रहे हैं, ए और सी दो पॉइंट है उसके बीच का पोटेंशियल निकालना है, सो वी कैन राइट वी ए सी इज इक्वल टू, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि दिस इज एक्चुअली इक्वल टू वी ए माइनस वी सी। ये जो वी ए बी था वो क्या था हमारा, वी ए माइनस वी बी, और वी बी सी जो था वी बी माइनस वी सी था। तो वी ए सी कैन बी रिटन एज वी ए माइनस वी सी, वेयर दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज वी ए माइनस वी बी प्लस वी बी माइनस वी सी, ठीक है, क्योंकि ये वी बी और वी बी जो है वो कैंसिल हो जाएगा। सो दिस कैन बी रिटन एज वी ए बी प्लस वी बी सी, मतलब हम दोनों का जो पोटेंशियल है उसको ऐड कर रहे हैं, और इसको हम लिख सकते हैं ई वन प्लस ई वन माइनस आई आर वन प्लस ई टू माइनस आई आर टू। सभी ई एम एफ्स को अगर एक साइड लें तो हम इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिख सकते हैं, ई वन प्लस ई टू माइनस आई इंटू आर वन प्लस आर टू, दिस इज़ आवर टोटल वी ए सी। दिस एक्सप्रेशन इज़ ऑफ द फॉर्म वी इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, जहाँ पे ई जो है हमारा ई इक्वलेंट है और आर जो है वो आर इक्वलेंट है। तो एकदम सिंपल सा है, देखो ये जो ई वन दो सेल के केस में ई वन प्लस ई टू हमारा ई इक्वलेंट है जो हमने अभी देखा था, और आर वन प्लस आर टू जो होगा सब रेसिस्टेंसेस का सम आर इक्वलेंट है, ठीक है। अब अगर पैरेलल केस की बात करें तो पैरेलल में हमने सेम ई वन ई टू ई थ्री अप टू ई एन सेल्स ले लिए हैं जिनकी ई एम एफ दी हुई है ई वन ई टू ई थ्री, एंड इंटरनल रेसिस्टेंसेज भी दिया गया है। हम डायरेक्टली उसका इक्वलेंट रेसिस्टेंस लेंगे कि आर वन से लेके आर एन तक के जितने भी रेसिस्टेंसेज हैं वो सारे रेसिस्टेंसेज क्योंकि पैरेलल में हैं, रेसिस्टेंसेज को नहीं पता कि वो इंटरनल रेसिस्टेंस हैं या कैसे हैं, तो उनका तो एक ही काम है कि वो करंट को अपोज करेंगे, सो देयर बिहेवियर विल बी एग्जैक्टली सेम एज रेसिस्टेंसेज कनेक्टेड इन पैरेलल। तो इसका इक्वलेंट कैसे निकालेंगे, अगेन विल डू द रेसिप्रोकल और सबको ऐड कर देंगे आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री अप टू वन बाई आर एन, ठीक है। दिस इज़ द इक्वेशन फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स, वो जो सेल है उनका इंटरनल रेसिस्टेंस उनका कॉम्बिनेशन। और ई एम एफ के लिए जो एक्सप्रेशन है वो थोड़ा सा अलग है इस केस में, देयर वी राइट ई इक्वलेंट बाई आर इक्वलेंट इज इक्वल टू ई वन बाई आर वन प्लस ई टू बाई आर टू प्लस ई थ्री बाई आर थ्री एंड सो ऑन अप टू ई एन बाई आर एन, ठीक है। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि ई इक्वलेंट इज गिवन बाई दिस होल थिंग, ये जो हमारा है ई वन बाई आर वन प्लस ई टू बाई आर टू अप टू ई एन बाई आर वन ई एन बाई आर एन मल्टीप्लाइड बाई आर इक्वलेंट। सो दीज आर द टू इक्वेशंस फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, ठीक है। ये इनका हम एप्लीकेशन न्यूमेरिकल्स में देखेंगे।